बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो बच्चों, आज हम लोग जो है सेकंड क्लास के साइंस को पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, तो आप इन्हें अच्छे से बच्चे देखें। तो बच्चे, देखने से पहले मैं आपसे ये रिकमेंडेशन करूँगा कि आप अपना बुक्स खोल के बैठ जाओ, जिससे कि बच्चे आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाएगा। सेकेंड क्लास के जो भी बच्चे हैं वो अपना बुक्स निकाल के बैठ जाएँ और पढ़ना स्टार्ट करें। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं चैप्टर क्या कह रहा है आपको, इस चैप्टर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जो चैप्टर के जो मेन मोटो है बच्चों, वो आपके प्लांट्स के रिलेटेड वर्ड्स है। ओके बच्चों, प्लांट्स के बारे में आप समझेंगे कि प्लांट्स क्या होता है, इनके कितने टाइप्स हैं। तो आपको कह रहा है कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ओके बच्चों, जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं हम इनको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, कह रहे हैं कि वी सी मेनी काइंड ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, राइट। तो कह रहे हैं कि हम लोग अपने चारों ओर मेनी टाइप ऑफ प्लांट्स को देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं। और रियल में बच्चे आप देखते भी होंगे, जैसे आप नीम के पेड़ देखते होंगे, बनियान ट्रीज देखते हैं, मैंगो ट्रीज देखते हैं, कोकोनट ट्रीज देखते हैं, ऐसे बहुत ट्रीज देखते होंगे। ओके, कह रहे प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। जो प्लांट्स होते हैं बच्चे, वो डिफरेंट शेप एंड साइज का होता है। कोई स्मॉल होते हैं बच्चे, तो कोई टॉल होते हैं, कोई स्ट्रांग होता है, तो कोई क्या होता है, थिन होता है, वीक होता है। तो ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखें कि कह रहा है काइंड ऑफ प्लांट्स, मतलब कह रहा है कि प्लांट्स के कैसे कितने टाइप्स होते हैं। तो अगर प्लांट्स के अगर टाइप्स की बात करें बच्चों, तो बहुत टाइप होते हैं, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपके बुक्स में फाइव टाइप्स दे रखा है, राइट। एक हर्ब्स दे रखा है, दूसरा सर्ब्स है, ट्रीज है, क्लाइंबर्स हैं, क्रीपर्स हैं, एंड एक्वाटिक प्लांट्स है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके बच्चों, तो चलिए हम देखेंगे, वन बाय वन करके पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो पहला जो टाइप्स है वो हर्ब्स है, राइट। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बच्चों की व्हाट इज हर्ब प्लांट्स, राइट। तो आप क्या कहेंगे, द वेरी स्मॉल एंड सीजनल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। कह रहा है कि वो बहुत स्मॉल्स होते हैं। हर्ब प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों, काफ़ी स्मॉल होते हैं, एंड सीजनल प्लांट्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ब्स। और ये क्या होता है बच्चे, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इनके जो स्टीम होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, एंड हर्ब्स हर्ब्स जनरली फॉर वन सीजन्स। और इनके जो लाइव होती है, ये प्लांट जो होते हैं, जो हर्ब प्लांट्स होते हैं, जनरली वन सीजन्स के लिए ही जीवित रह पाते हैं, ठीक है। सबसे बात कॉमन ये है, जैसे आप देखते हैं बच्चों फिगर्स में देख भी रहे हैं, वीट्स हैं, ब्रिंजल्स हैं, मिंट्स हैं, टोमेटोज हैं, तो ये जितने भी प्लांट्स हैं बच्चे, ये हर्ब्स प्लांट्स हैं, ठीक है। और ये एक सीजन ही जीवित रह पाते हैं, ठीक है, दूसरे सीजन्स ये जीवित नहीं रह पाते, सबसे कॉमन चीज़ ये है। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया बच्चे। चलिए अब दूसरा देखते हैं बच्चे, सर्व प्लांट्स क्या है, सर्व प्लांट्स। ओके बच्चों, तो सर्व प्लांट्स क्या होता है वो देखते हैं। तो सर्व प्लांट्स आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, हर्ब्स प्लांट्स। हर्ब में क्या देखा था, कि हमने देखा था कि दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, वो भी स्मॉल था, बट ये भी स्मॉल है, बट दे आर बिगर देन हर्ब्स। लेकिन ये क्या होता है, जो हर्ब प्लांट्स होते हैं उससे ये बिगर होते हैं, दे हैव अ स्मॉल एंड हार्ड स्टीम। इनका जो स्टीम्स होती हैं वो हार्ड होते हैं, किनकी कंपेयर से, हर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स। ये क्या होता है बच्चों, फ्यू ईयर्स जीवित रहते हैं, बट हर्ब प्लांट्स क्या था बच्चों, वो सीजनल था, वन सीजन्स में लाइव करते हैं, अदर सीजन वो आपको नहीं मिलेंगे, फिर से उसे क्या करना होता है, ग्रो करना पड़ता है। बट जो सर्व प्लांट्स होता है, ये फ्यू ईयर्स जीवित रहते हैं। जैसे रोज के ट्रीज आप देख रखे होंगे बच्चों, ठीक है, कोकोनट ट्रीज देखते होंगे, ठीक है, मैदी ट्रीज देखे होंगे, हिबिस्कस। तो ये सारे जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, ये फ्यू ईयर्स क्या होता है, जीवित रहते हैं। ओके चलिए अगला देखते हैं बच्चों। तो बच्चे ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ ट्री, तो आप क्या कहेंगे बच्चों, तो कहेंगे बिग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्री। जो बिग हो, टॉल हो, स्ट्रांग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रीज़ बोलते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि दे हैव अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टीम, जिनके स्टीम काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कि अलग अलग दे कह रहा है कि द स्टीम बेयर्स मेनी ब्रांचेज, जिनकी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, ठीक है। तो बच्चे कुछ ऐसे भी ट्रीज होते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है बच्चे, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सबसे बड़ी ट्रीज कौन होते हैं बच्चों। तो सबसे बड़ी ट्रीज जो होता है बच्चे, वो रेडवुड ट्रीज होता है। कौन सा ट्रीज होता है बच्चे,
रेड होता है, क्या होता है, रेड वुड ट्रीज होता है बच्चों, क्या होता है, रेड वुड ट्रीज होती है जो यूएसए में होता है, कैलिफोर्निया नामक, कैलिफोर्निया में है बच्चों, ठीक है। और जो है 280 फीट लगभग बड़ा होता है बच्चों, ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रीज हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर ले, ठीक है बच्चों। तो कह रहे हैं आगे चलते देखते हैं हमें, कह रहे हैं ऑन दिस ब्रांचेज आर ग्रो फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो ये इनके जो, जैसे आप मैंगो ट्रीज देख रहे हैं बच्चे, नीम की ट्रीज देख रहे हैं, एंड बनियान ट्रीज जो दे रहे हैं, देख रहे हैं आप, ओके बच्चों। तो इनके जो है अलग अलग ब्रांचेज हैं, और वो ब्रांचेज का काम होता है कि वो फ्लावर्स दें और फ्रूट्स दें। जैसे ये आप देख रहे हैं मैंगोज की ट्रीज, तो इसमें देखिए आपको ये इनके फ्लावर्स भी दिख रहे हैं आपको, और ये क्या है, फ्रूट्स भी दिख रहे हैं। तो ऐसे बहुत ऐसे ट्रीज हैं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। कह रहा है कि सम ट्रीज डू नॉट हैव अ ब्रांचेज, कुछ ऐसे भी ट्रीज होते हैं बच्चों जो ब्रांचेज नहीं होती है, सच एज अ कोकोनट, डेट, प्लम ट्रीज, ठीक है। ये कुछ ट्रीज हैं जिनके ब्रांचेज नहीं होते, ठीक है। ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स, और ये ट्रीज जो होती है मैनी ईयर्स तक क्या कहते हैं, जीवित रह पाते। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, आपसे पूछ सकते हैं, कोई बच्चे पूछ दे कि बताओ कोई कौन ऐसा ट्री है जिनके पास ब्रांचेज नहीं होता है, तो आप लर्न कर ले बच्चों क्या होगा, कोकोनट ट्रीज होंगे, डेट होंगे, प्लम्स होंगे। ये सारे जो प्लांट्स होते हैं इनके कोई ब्रांचेज नहीं होते बच्चों, और ये कहते हैं मैनी ईयर्स लिविंग भी होते हैं, जीवित भी रहते हैं। तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता होगा, देखो यहाँ पे कह भी रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अ बनियन ट्रीज कैन लिव फॉर 100 ईयर्स, 100 ऑफ ईयर्स, मतलब जो बनियन ट्रीज होती है बच्चों वो 100 ईयर्स तक क्या करते हैं, जीवित रह पाते हैं। तो देखो कितनी अच्छी बातें हैं बच्चों, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, क्रीपर्स है, क्या है बच्चों, क्रीपर्स, ठीक है। तो क्रीपर्स हम देख लेते हैं, कह रहे प्लांट विच स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, मतलब बच्चों वो प्लांट्स जो ग्राउंड पे क्या करते हैं, फैल जाते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं। आपकी फिगर में देख रहे हैं बच्चों जो वाटरमेलन है, ये कैसे ग्राउंड पे फैल रहा है, स्प्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आप पम्पकिन देख रहे हैं बच्चों कैसे स्प्रेड कर रहा है, ककुम्बर देखते होंगे जहाँ ग्राउंड पे होता है वो स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है, ठीक है। तो क्रीपर हैर अ वेरी वीक स्टीम, और जो क्रीपर्स होते हैं बच्चे इनके जो स्टीम होता है ना वो काफ़ी वीक होता है, ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, ग्राउंड पे ही स्प्रेड कर जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं बच्चों हम, ओके बच्चों। तो अगला जो है क्लैम्बर्स, तो क्लैम्बर्स क्या होता है, लाइक क्रीपर, ये क्या होते हैं बच्चे, क्रीपर ही जैसे होते हैं, बट जो हमारा क्रीपर्स थे, क्रीपर्स को वो क्या होते हैं, ग्राउंड पे स्प्रेड कर रहा था, ग्राउंड पे क्या करते थे, वो स्प्रेड करते थे, बट जो क्लैम्बर्स है ये भी ग्राउंड पे ही स्प्रेड करता है, बट हमें इसे, हम लोग इसे ग्राउंड पे स्प्रेड नहीं होने देते हैं, कैसे देखते हैं आगे। तो कह रहे क्लैम्बर ऑल्सो हैव अ वीक एंड थिन स्टीम, ये भी काफ़ी वीक होते हैं, एंड इनके जो स्टीम होते हैं वो भी थिन होते हैं, बट दे नीड टू सपोर्ट टू ग्रो अप, बट इसे ग्रो कराना है तो इन्हें क्या करना होता है, हमें एक सपोर्ट देना होता है, ठीक है। क्लैम्बर्स को हम लोग ट्विनर भी कहते हैं बच्चों, ठीक है, इसे याद रखना। आपसे पूछ सकते हैं क्लैम्बर, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं या फिलअप में पूछ सकता है कि क्लैम्बर आर कॉल्ड डैश, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ट्विनर्स, ठीक है। तो क्लैम्बर्स क्लैम ऑन वॉल, स्टिक एंड अदर प्लांट्स, जो क्लैम्बर्स होते हैं किसी स्टिक पे, या जैसे आप मान लो ये स्टिक हमने खड़ा कर दिया, ठीक है, तो जो बच्चे मनी प्लांट्स आप घर में लगाते होंगे तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग स्टिक डालते थे जिससे वो स्टिक से वॉल पे क्या करते हैं, वो मूव कर जाता है और फिर उनके अकॉर्डिंग वो अपने रास्ता बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों बीन्स है, ठीक है, मनी प्लांट्स है, ग्रेप्स वीन वाइन है, पीज है, तो ये सारे जो हैं बच्चे ये कौन से हैं, क्लैम्बर्स है। इसे ग्रो करने के लिए इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो हम किसी वॉल से सपोर्ट दे देते हैं या स्टिक से दे देते हैं, जो भी है बच्चे जिनके कंफर्टेबल हो आप वो लगा करके इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला जो बच्चों आप देख रहे हैं, वाटर एंड एक्वाटिक, राइट, क्या है बच्चों, वाटर एंड एक्वाटिक, ठीक है। तो वाटर क्या होता है बच्चों, वाटर से समझ में आता ही होगा, ठीक है बच्चों, पानी, एक्वाटिक नहीं समझ में आ रहा होगा। तो एक्वाटिक प्लांट्स क्या होता है बच्चों, दोज प्लांट विच ग्रो इन वाटर, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट्स, राइट, समझ में आ गया। तो कह रहे द ग्रो इन वाटर, मतलब वो प्लांट जो वाटर में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वाटिक प्लांट्स, राइट।
दे कैन बी सीन इन लैक एंड पॉन्ड्स, ठीक है, जिसको हम लैक एंड पॉन्ड कह रहे हैं, कि सम एक्वाटिक प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर इन सी लाइक रिवर्स एंड पॉन्ड्स। एग्जाम्पल हाइड्रिलिया बच्चों देख रहे हैं कि जो पानी के अंदर ही ये बड़ा होता है, लोटस जो आप काफ़ी फेमस भी है बच्चों, ये आप जानते भी हैं, ठीक है। तो ये जो पौधे हैं, ये प्लांट जो हैं, वो क्या होता है, वाटर के अंदर क्या करता है, ये ग्रो करता है, ये ऑन उनके ऊपर होता है या अंदर होता है, जो आप समझिए, ठीक है, दोनों में ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका चैप्टर यहीं तक कंटेंट थे, आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो बच्चों आप बुक्स खोलो, इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं कुछ इसके जो लर्निंग पॉइंट्स दे रखा है बच्चों, तो इस लर्निंग पॉइंट को आप एक बार रिमाइंड कर लो, जो अब तक हमने जो आपको बताया उनको ये ब्रीफ में दे रखे हैं कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको देख लें, ओके। तो लर्निंग पॉइंट्स में आपको कह रहा है कि वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। तो बच्चों आपने अभी, मैंने आपको समझाया भी कि हमारे चारों ओर जो है डिफरेंट प्लांट्स हैं, जैसे आपने नीम की ट्रीज देखे, मैंगो की ट्रीज देखे, बनियान की ट्रीज देखे बच्चों, ठीक है, कई सारे ट्रीज आपने देखे, कोकोनट्स के देखे, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि वेरी स्मॉल एंड सीजनल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, ठीक है, कि व्हाट इज़ हर्ब्स, तो आप कह सकते हैं वेरी स्मॉल एंड सीजनल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको सर्ब्स कह सकते हैं, व्हाट इज़ सर्ब, तो सर्ब आप कह सकते हैं सर्ब आर बिगर देन हर्ब्स। सर्ब जो होता है वो इससे क्या होता है, हर्ब से बिगर होते हैं, दे आर बूसी प्लांट्स एंड दे आर हार्ड स्टीम, राइट। चलिए अब से पूछते थे कि व्हाट इज़ ट्री, तो आप कहेंगे दे वेरी बिग एंड वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। वाटर प्लांट ग्रो इन अंडर द वाटर, जो वाटर प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं या ऑन उनके ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है बच्चों। प्लांट्स हैव डिफरेंट साइज एंड शेप के होते हैं, ठीक है, प्लांट जो होते हैं बच्चों वो क्या होता है, डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं, दे आर डिफरेंट लाइफ स्पेन, और सभी की लाइफ अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीजनल होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्यू ईयर्स देते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो 100 ईयर्स देते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, तो ये सारे चीज़ आपने अभी तक देखा, ओके बच्चों। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप सबसे पहले चैप्टर को एक बार पढ़ लो, ठीक है, और फिर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं उसे आप अच्छे से लगाओ, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो पहले बच्चे आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है, ओके बच्चों।